हेलो व्यूअर्स, हमारे साइंस वंडर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूध गर्म करने के दौरान आप कैसे गैस और पैसों की बचत कर सकते हैं, जिसे ऊर्जा विशेषज्ञ की परामर्श से हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरीके से आप 50% तक गैस की बचत कर सकते हैं? और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि हम तक पहुंचने से पहले कैसे और क्यों दूध को पैश्चराइजेशन किया जाता है। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिल्क यानी दूध एक ऐसी चीज है जो सबके घरों में जरूर मिलता है। हम सब इसका प्रयोग रोज करते हैं, फिर चाहे वो पीने के लिए हो, चाय के लिए हो, या फिर दूसरे पकवान या मिठाइयाँ बनाने के लिए हो। दूध का प्रयोग सब जगह किया जाता है, सब जगह हर रोज इसकी खूब डिमांड रहती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि शहर के बाहर से पैकेट में बंद होकर आने वाला दूध आखिर कैसे इतने दिन चल जाता है और दिनों दिन खराब नहीं होता है? क्योंकि आपके घरों तक जो दूध पहुंचता है वो पैश्चराइज्ड होता है। आइए जानते हैं कि पैश्चराइजेशन क्या होता है। किसी भी खाने की चीज के सड़ने या खराब होने का कारण होता है इसमें जीवाणुओं या बैक्टीरिया ग्रोथ। बैक्टीरिया वातावरण में सब जगह पाए जाते हैं और जैसे ही इन्हें कोई कार्बन सोर्स खाद्य पदार्थ के रूप में मिलता है, ये बैक्टीरिया उस पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उस खाद्य सामग्री का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, मतलब वो खाने का सामान सड़ने लगता है। पैश्चराइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जो कि इन जीवाणुओं को मार देती है अथवा इन्हें या इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देती है। इस प्रक्रिया द्वारा कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध, जूस इत्यादि को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। पैश्चराइजेशन प्रक्रिया एक प्रिजर्वेशन में ही सहायक नहीं है, बल्कि ये खाद्य पदार्थों द्वारा होने वाली भयंकर बीमारियों जैसे कि दूध के कारण होने वाली टीबी, क्यू फीवर, डिप्थीरिया इत्यादि को रोकने में भी सहायक है। इस प्रोसेस का नाम एक प्रसिद्ध केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पाश्चर के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान यह पाया कि वाइन की थर्मल प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें पड़े बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाते हैं और फिर यदि उसे एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाए तो वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होती। आज के समय में थर्मल ट्रीटमेंट के अलावा भी पैश्चराइजेशन की बहुत सारी विधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि रेडिएशन, इलेक्ट्रिक पल्सेस और रेडिएशन ट्रीटमेंट आदि। क्या आप जानते हैं कि दूध बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है? बड़ी जल्दी दूध में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और वो खराब होने लगता है, इसलिए दूध को बंद पैकेट्स में ही बिना खराब हुए आपके घरों तक पहुंचाने के लिए उसका पैश्चराइजेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कि दूध को कैसे पैश्चराइज किया जाता है। मिल्क का पैश्चराइजेशन सबसे पहले 1886 में सोखेल, जो कि एक जर्मन एग्रीकल्चर केमिस्ट थे, ने प्रपोज किया था। इस प्रक्रिया के दौरान दूध को एक सेट टेम्परेचर पर निर्धारित समय के लिए हीट किया जाता है तथा इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि उसमें फिर से बैक्टीरिया कॉन्टेमिनेशन ना हो। दूध को हीट करने के तुरंत बाद उसे ठंडा कर लिया जाता है, जिससे पैश्चराइजेशन प्लांट तक ले जाने में वे खराब ना हो जाए। इस समय दूध में एक्टिव बैक्टीरिया और एंजाइम्स होते हैं, पर ठंडा होने के कारण जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते। इस ठंडे दूध को हीटिंग सेक्शन में
रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। टेम्परेचर का डिसीजन इस आधार पे होता है कि किस बैक्टीरिया को टारगेट किया जा रहा है तथा कितने दूध को प्रिजर्व किया जाना है। गर्म होने के बाद उसे होल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उसी तापमान पर दूध को कुछ निर्धारित समय के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया में दूध में उपस्थित जीवाणु यानी बैक्टीरिया मर जाते हैं और उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले एंजाइम्स जो एक प्रकार के टीन हैं, वो भी डीनेचर्ड हो जाते हैं। इसके बाद दूध को तुरंत चिलिंग सेक्शन में लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर दिया जाता है और ठंडा होने के बाद इनकी पैकेजिंग कर इन्हें आप तक पहुंचाने के लिए ये स्टोर कर लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दूध एक बार भी एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं होता है। दूध हीट पेस्चराइजेशन के बहुत सारे मेथड उपलब्ध हैं, जैसे कि LTLT यानी लो टेम्परेचर लो टाइम, HTST अर्थात हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम तथा UTH यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पेस्चराइजेशन। अलग अलग जगह की आवश्यकता के अनुसार इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो अब आप यह जान ही गए हैं कि मिल्क पेस्चराइजेशन के कितने फायदे हैं। पेस्चराइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि खाद्य सामग्री लोगों के सेवन के लिए सुरक्षित है। ये फूड प्रोडक्ट को खराब होने से बचाता है तथा पेस्चराइज फूड प्रोडक्ट को लंबे समय के लिए बिना खराब हुए रखा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि दूध गर्म करने के किस तरीके से आप गैस व पैसों की बचत कर सकते हैं। दूध का पैकेट लाने के बाद हम उसे बहुत गर्म करते हैं या फिर खौलाते हैं, जिससे वो खराब ना हो। यह एक गलत फहमी है। कई घरों में लोग दूध को काफी देर तक उबालते रहते हैं। इसमें काफी गैस खर्च होती है तथा इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे दूध के काफी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन विटामिन्स हम नष्ट कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दूध को कितना गर्म करना है कि वो खराब भी ना हो तथा उसके पोषक तत्व भी नष्ट ना हो। आपको दूध को बस पेस्चराइजेशन टेम्परेचर तक ही गर्म करना है, यानी लगभग 72-75 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इतना गर्म करने से आपके दूध में उपस्थित सारे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएंगे, जबकि दूध में उन्हें उबाल लाने के लिए आपको इसे बॉइलिंग पॉइंट यानी लगभग 100 डिग्री तक गर्म करना होगा, मतलब 20 से 25 डिग्री अधिक, जिससे आपकी गैस ज्यादा खर्च होगी। यदि आप ये तकनीक अपनाते हैं तो आप 50% तक गैस की बचत कर पाएंगे। साइंस वंडर्स ऐसे ही साइंस के टॉपिक्स लाता रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।